थैलस वीक। थैलस जो है ये यूनान की फिलॉसफी और यूनान की साइंस इसी से शुरू होती है। ये पहला फिलॉसफर है और साइंटिस्ट भी है। बेसिकली एम्पिरिसिस्ट जो होगा तो वो साइंटिस्ट होगा, लेकिन जो आइडियलिस्ट होगा वो सिर्फ फिलॉसफर होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पहला साइंटिस्ट भी है और पहला फिजिसिस्ट भी है और पहला फिलॉसफर भी है। लेकिन इससे पहले कि हम थैलस के बारे में कोई बात करें, हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या थैलस, जो कि यूनान का पहला फिलॉसफर और साइंसदान है, थैलस से पहले साइंस कहीं थी या नहीं, खुद यूनान में भी और दूसरी दुनिया में भी। तो वो हम यही देखने जा रहे हैं, हमारा जो पहला हिस्सा है इसका, आज के वीक का, कि वो कहीं थी या नहीं। उसमें मेसोपोटेमियन जो रियासत थी या जो टेरिटरी थी, जो रियासत तो छोटी होती है, बहुत बड़ा इलाका था, एक सुपर पावर टाइप एरिया था वो, उसमें देखते हैं हम कि साइंस काफी जोरों पर थी, खासतौर पे बाबल के हवाले से, जो मेसोपोटेमिया का एक बहुत मारूफ शहर है जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, वह अनजल अल मलक कई ने बिबाबिल हारूत व मारूत। ये जो बाबल है इसमें उस दौर की मेसोपोटेमिया की, उस जो इरा है उसको एक इरा कहते हैं, ये सबसे पुराना इरा है, उसमें बाबल जो है ये टॉप पर आता है साइंस के हवाले से। इवन के उसमें कुछ हैरान कुन भी दरियाफ्तें हुई हैं, जैसा कि मसलन ये एक मैं आगे जाके आपको बैटरी दिखाऊंगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करेगी, जो बैटरी है करंट पैदा करेगी बेसिकली, और ये भी बाबल में बनाई गई थी। तो हमारा जो ये हिस्सा है इसमें मिस्र, इंडिया और चाइना, चाइना को मैंने छोड़ दिया, वक्त बहुत लग रहा था और इतना ज्यादा कोई काबिल जिक्र बात भी नहीं थी, तो मैंने इंडिया, इजिप्ट और बाबल, इसमें होने वाली साइंस का जो है वो जिक्र किया, और ये मेसोपोटेमिया का इलाका है। मेसोपोटेमिया के बारे में मैं इतना अर्ज करता चलूं कि हमारे यहाँ सिंध में मोहिंजोदाड़ो है, वहां आप में से कोई ना कोई जरूर गया होगा। मोहिंजोदाड़ो में हमें ऐसी कॉइन्स मिली हैं, हमें से मुराद इंसान हैं, ज्यादातर तो यूरोपियन हैं वहां पे, हमें ऐसी कॉइन्स मिली हैं जिन पर जो लैंग्वेज है वो मोहिंजोदाड़ो की है, और अभी तक 2019 तक उसको नहीं समझा जा सका कि वो जो लैंग्वेज है, वो जो अल्फाज हैं वो क्या है। कॉइन्स के अलावा भी उनकी कोई मोरे हैं जो चौकोर हैं, ज्यादातर गोल भी हैं, दो दो इंच की, एक एक इंच की, उन पे भी वो लैंग्वेज है, और उसके बारे में अभी तक नहीं पता चल सका कि वो उस पर क्या लिखा हुआ है। कोई लफ्ज एक भी अभी तक उसका नहीं डिकोड हो सका, इनक्रिप्ट नहीं हो सका कि वो क्या है। तो जो थ्योरी मौजूद है कि उसका पता कब चलेगा और कैसे चलेगा और वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं वो वर्ड्स, वो थ्योरी ये है कि जो मोहिंजोदाड़ो के ताजर थे वो मेसोपोटेमिया में आते जाते थे, क्योंकि एक ही दौर है, तो मेसोपोटेमिया में जब वो आते जाते थे, मेसोपोटेमिया था कहाँ, टर्की का इलाका, एशिया मीनार का इलाका, रूस का थोड़ा सा इलाका जहाँ आर्मेनिया और अजरबैजान है, और फारस का थोड़ा सा इलाका बसरा तक, इराक तक, ये सारा शाम भी, ये सारा खित्ता हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, ये मेसोपोटेमिया है। तो यहाँ से जो मिले हैं खंडरात में से जो चीजें, उनके बारे में थीरी ये मौजूद है कि यहाँ के ताजर वहां जाते थे और वहां के ताजर यहाँ आते थे, क्योंकि जो मेसोपोटेमिया है वहां कुछ जमीनी खुदाइयों में से ऐसे वो मिले हैं, ताजरों की कब्रें कह लिया जाए उन्हें, दफन ताजर मिले हैं वहां पे, जिनके पास जो चीजें थी उनसे अंदाजा हुआ है कि वो ताजर थे, पहली बात। और दूसरी बात, वो मोहिंजोदाड़ो के क्यों थे, वो उनके पास जो कॉइन्स मिली है उससे पता चला है कि वो मोहिंजोदाड़ो के थे, तो इसलिए ये कह दिया गया है कि आते जाते थे ताजर, इतना तो यकीन से कह दिया गया है। तो थीरी ये मौजूद है कि कभी कोई ऐसी कब्र अगर मिले कि जिसमें उसके पास दोनों कॉइन्स हो, ताजर के पास मेसोपोटेमिया की सिक्के भी हों और सिंध के सिक्के भी हों,
तो उस वक्त फिर हम कुछ ना कुछ मैच करके दोनों कॉइन्स की तहरीरों को गेस कर सकते हैं, या दोनों कॉइन्स का लफ्ज मैंने बोल दिया यहाँ पे, वहां पे दोनों तख्तियां हो, प्लेटें हो या मोहरे हो, तो उनको मिला के ये कुछ गेस किया जा सकता है कि ये एक लेटर जो एक हरूफ तहजी का हर्फ है ये क्या मानी रखता है, या एक लफ्ज क्या मानी रखता है। अभी तक ये मोहनजोदड़ो की वो नहीं हो सकी, इंक्रिप्शन नहीं हो सकी उनकी तहरीरों की। अच्छा, तो मोहनजोदड़ो में जो इंडिया है, और इसका हम जिक्र करेंगे इंडिया के पार्ट में, अभी मेसोपोटामिया का जिक्र हो रहा है कि भी साइंस हुई, जैसे कि एहराम मिस्र की सिर्फ बनावट की वजह से हम कह सकते हैं कि वहां पे साइंस हुई, और वो साइंस कैसी थी उसका हम मिस्र के हिस्से में जिक्र भी करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है उसको देख के, खासतौर पे जो ईंटों का स्टाइल है वो पूरी दुनिया में डिफरेंट है यहाँ का, तो इसको जो है वो यहाँ पे हम इंडिया में देखेंगे कि यहाँ भी साइंस हुई। लेकिन जो हम वहां देख रहे हैं मेसोपोटामिया में, उसमें कंसंट्रेट कर रहे हैं बाबल पे। अगर उसमें नैनवा भी आता है, और भी उस वक्त के कदीम शहर मशहूर शहर हैं, खुद जो बेबीलोनियन है या खुद पहले नैनवा के अंडर थे, और बाद में इसको फिर नाकाबिल तस्खीर इसको समझ लिया गया। बाबल जो है इसमें एक मंदिर था जो 410 फुट बुलंद था, और उसका नाम था हर्जीगुरात। ये मैंने फारसी में पढ़ा था नाम, तो इसकी मैं इंग्लिश स्पेलिंग की बजाय उर्दू में ये लिख के इसका नाम मैं आपको दिखाता हूँ, हर्जीगुरात। ये 410 फुट बुलंद था, और इसकी जो सबसे ऊपर वाली मंजिल थी उस में फलकियात के माहिरीन बैठते थे, और वहां से मंसूब एक लेजेंड भी है, एक ऐसा किस्सा भी है जो हम में से अक्सर लोगों ने पहले से सुन रखा है। वो किस्सा ये है कि एक रक्कासा थी बाबल की, जिसका नाम था बेदख्त। बेदख्त बहुत मशहूर है क्योंकि बाइबल में इसी नाम से, हर्जीगुरात का नाम भी बाइबल में है एग्जैक्टली ऐसे ही, बाइबल में इसी नाम से बेदख्त मौजूद है। तो उसका एक नाम तो था बेदख्त, और एक नाम उसका रक्कासा वाला था जो मशहूर था, वो था जोहरा। तो उसने रिवायत के मुताबिक दो फरिश्तों को वरगलाया, हारूत मारूत को, और फिर शाह यूसुफर की जो कबा थी जिसपे बहुत से जादू लिखे हुए थे वो पहनी, और यूसुफर की कबा पहनकर उनसे इसमें आजम लिया हारूत मारूत से, और हर्जीगुरात की आखिरी मंजिल पर चढ़कर वहां से वो उड़ गई फिजा में, और वो आसमानों पे चली गई। और जब वो आसमानों पे पहुंची तो वहां पे एक सितारा बन गई जिसको आज हम वीनस कहते हैं, और वो सितारा जोहरा है। तो ये कौन थी? ये रक्कासा थी बाबल की, और ये सारा वाक्या बाइबल में भी है, और भी हिस्ट्री की इन किताबों में है। इसकी जाहिर हैसियत वही है जो इस तरह के असातीर की होती है, और इसकी एकेडमिक हैसियत इसके वाक्य की तो नहीं है, लेकिन ये एक वाक्या सुनाना चाह रहा था मैं आपको कि ये भी उसी बाबल के साथ अटैच है जिस बाबल की हिस्ट्री ऑफ नॉलेज बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी बात होती है इसकी दुनिया के पहले दस्तूर की, दुनिया के पहले ह्यूमन राइट्स के दस्तूर की, तो बात ये होती है कि सबसे पहले हमुराबी का कानून है जो बाबल में बना, और फिर मिसाक मदीना है जो मदीना में बना। तो इसलिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है हर किस्म के इल्मी मवाद के एतबार से, लेकिन साइंस के हवाले से तो बाबल जो है उसमें, ये पहले मैं अर्ज करता चलूं कि ये स्लाइड मुझे खोलनी चाहिए थी, इसमें मैंने ये बताना था कि मेसोपोटामियन जो हैं वो सुमेरियंस हैं, अकाद जिसका जिक्र इस्लाम में भी बहुत है, अकद भी कहते हैं एन से, अकाडियन हैं, पर्शियंस हैं, और बेबीलोनियंस हैं, और सीरियन असीरियंस हैं। और इसी में जो काम हुआ है मेसोपोटामिया में बहुत ज्यादा मशहूर इब्तदाई काम मेटल वर्किंग, यानी जिसको ब्रोंज एज कहते हैं, वो इन्हीं से शुरू होती है। इससे पहले जो है वो स्टोन एज है, तो कांसी का जो दौर है ब्रोंज एज वो मेसोपोटामिया से शुरू होती है। तो उन्होंने मेटल पे काम शुरू किया पिघलाने का, और बाद में तो बहुत तरक्की करके लोहा तक पहुंचते हैं, या आयरन एज इनके बाद शुरू होता है, लेकिन आयरन इन्होंने पिघलाया और उसको यूज किया, और उसकी फिर सबसे ज्यादा यूज शुरू कर दिया क्योंकि बाकी सारे अलाय जो थे वो कमजोर थे,
और लोहा उनमें सबसे ज्यादा मजबूत था। तो मेटल वर्किंग इन्होंने की, ग्लास शीशा बन गया था, आईना भी बन गया था, मिरर भी बन गया था इनके दौर में। तो ये तो बहुत बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी है कि जिसने शीशा यानी आईना और दूसरा शीशा आर पार नजर आने वाला और मेटल पिघलाना अगर कर दिया शुरू, तो इसका मतलब कि आग की दरियाफ्त के बाद और पहिए की इजाद के बाद अगर कोई बड़ी साइंस हुई है तो मेसोपोटामिया में ही हुई है। टेक्सटाइल वीविंग जो है उसकी मुख्तलिफ मशीनरियां बना ली थी इन्होंने, उससे पहले हाथ से बनती थी कपड़ा, और फूड कंट्रोल इसके इसमें प्रोसेस शुरू हो गया था फूड का, जिसे हम कहते हैं जो गोडाउन होते हैं, गोदाम जहां हम गंदम रखा करते चीजें, ये इनके हाथ से शुरू होता है कि फूड को कैसे संभाला है। और उसको संभाला ही नहीं है बल्कि उसको प्रिजर्व करने के जो तरीके हैं वो भी किए हैं। फिर उसके बाद है वाटर स्टोरेज और फिर इरिगेशन। तो ये साइंस है सारी जो मेसोपोटामिया में हुई है। अब बाबल की बात करते हैं। तो बाबल में 1930 में गालिबन एक बैटरी मिली है हल्ला के करीब से। हल्ला एक गांव है जो अब भी है और उसका नाम हल्ला है। उस वक्त उसका नाम हल्ला जाहिर है नहीं था, उस वक्त वहां बाबल था। ये बगदाद से कुछ 30-35 किलोमीटर के फासले पर है गालिबन शुमाल की तरफ हल्ला, और वहाँ जो गांव अब है उसका नाम हल्ला है। तो वहाँ जो खंडरात हैं वो बाबल है, और बाबल एक बहुत बड़ा शहर था क्योंकि उसकी 30 लाख आबादी थी उस वक्त, और ये काफ़ी सारी आबादी है गालिबन फैसलाबाद के आसपास की, या फैसलाबाद के नज़दीक की आबादी जितना फैसलाबाद में है। तो 30 लाख जितना बड़ा शहर, और फिर उसके चारों तरफ जो फसील थी, जो दीवार थी वो 70 फुट ऊंची थी, और उसकी मोटाई है चौड़ाई 70 फुट नहीं, वो 300 फुट ऊंची थी, और उसकी जो चौड़ाई है वो 70 फुट थी। उसकी चौड़ाई पर जो है उसकी ऊपर वाली सड़क थी उस पर, और उस पर डबल रथ, दो रथ जो है वो दौड़ सकते थे, 12-12 घोड़ों वाले। तो ये 300 फुट थी, कहीं से 400 फुट थी, ये बैरूनी दीवार। फिर अंदरूनी दीवार एक और थी जो 280 फुट चौड़ी थी, ऊंची थी। तो बैरूनी दीवार ज्यादा ऊंची थी और अंदरूनी उससे कम ऊंची थी। ये सब उन्होंने बनाई, और नाकाबिले तस्खीर कहा गया बाबल को। इसमें बाइबल में लिखा हुआ है कि बाबल नाकाबिले तस्खीर था और समझा जाता था। फिर उन दोनों दीवारों के दरमियान खेत थे बहुत ज्यादा, और इरिगेशन थी सारी। फिर अंदरूनी दीवार से अंदर शहर था, और पूरे शहर के दरमियान में से दरिया गुजरता था गालिबन फरात, और वो जो वहां से गुजरता था वो बहुत बड़ा दरिया था, जैसे अब हमारा सिंध है। तो उसके दोनों तरफ अंदरून फसील के शहर आबाद था। फिर जो दरिया के ऊपर गेट थे, क्योंकि दरिया शहर में दाखिल होने के लिए तो एक जगह को दीवार को फाड़ रहा था ना, दीवार वहां नहीं बनाई गई थी ना, वहां से दरिया दाखिल हो रहा था, तो वहां पर गेट थे। और फिर उन गेटों को जो नीचे उतारा जाता था पानी के अंदर तक, तो वो लोहे के उनके बड़े बड़े बुर लगे हुए थे, जैसे वो क्या होता है तीर की शक्ल वाली, क्या कहते हैं उसे हम जो समंदर में फेंकते हैं, कम एंकर, एंकर इंग्लिश में याद आ गया, उर्दू में नहीं याद आया। वो एंकर जो है वहां पे उस शक्ल के, वो लंगर की शक्ल के जो थे उसमें भारी, बहुत भारी, मनो टनों के हिसाब से भारी, वो उसमें नीचे दरिया में उतरते थे। और वहां से अगर कोई पैदल भी दरिया में नीचे तैर के भी आना चाहे शहर में तो वो नहीं आ सकता था, और वो मशीनरी के जरिए उठाए जाते थे या नीचे उतरते थे। उसी शहर के दरमियान में हर जिगुरात का मंदिर था। फिर बाबल में बहुत जिंदगी थी, जैसे हम कहते हैं लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, ऐसे बहुत जो है ना वो ब्लूमिंग किस्म का शहर था, बहुत ज्यादा शाइनिंग शहर था। वहां पे ईदें मनाई जाती थी, वहां पे जलसे जुलूस होते थे, वहां पे एक जुलूस निकाला जाता था जिसमें नैनवा के बुतों को जो कि हजारों की तादाद में थे जुलूस में चलाया जाता था, पहियों वाली रेहड़ियों पे उनको खड़ा किया हुआ होता था, और नैनवा के बुत जो थे उनके गलों में जंजीरें होती थी ताकि ये शो किया जा सके बाबल की अवाम के सामने कि जो बाबल का बुलमरदूक है, जो बड़ा बुत है, ये उसके आगे झुके हुए हैं। इसको कहा जाता है तस्वुर तौहीद तजसीमी का जो है उरूज। तौहीद तंजीही एक अलग चीज है और तौहीद तजसीमी एक अलग चीज है। तौहीद तजसीमी में कहते हैं हिस्टोरियंस कि सारे बुत जो है वो एक बुत में जम होते जा रहे थे, तो फिर एक बुत बड़ा बनता जा रहा था, आसपास के बुतों को वो खाता जा रहा था। तो इसको कहते हैं ये उरूज है तौहीद तजसीमी का। खैर, तो वो जुलूस निकला करते थे वहां पे, और ये बाबल था। इसी बाबल के बारे में है कि इसमें
शहनशाह बलेशाजार ने बागात मुअल्लका बनवाए हुए थे, जिनके बारे में एक रवायत ये भी है कि शद्दाद के बागात वही थे, ये बागात मुअल्लक थे। कहते हैं कि बलेशाजार ने ईरान में शादी की तो तेहरान की उसकी उस सूसा के एरिया, तेहरान के मौजूदा तेहरान और पुराने सूसा के एरिया की एक शहजादी थी जो उदास रहती थी अपने इलाके के पहाड़ों को याद करके, तो फिर उसने इस मैदानी बल्कि रेतले इलाके में ऐसे बागात बनाए जैसे पहाड़ होते हैं, तो वो भी सैकड़ों फुट ऊंचे थे और उसकी मुख्तलिफ मंजिलें थी, और उस पर रथ भाग के ऊपर वाली मंजिल पर चढ़ते थे, गालिबन 7 बाग थे। तो उसमें जो पानी चढ़ाया जाता था ऊपर वाले बाग में, वो भी एक नहर जितना मोटा पानी था, और जरसकील के जरिए, जो आपने देखी होगी तेल हम निकालते हैं आज भी जब किसी ड्रम से किसी बॉटल में डालने के लिए, तो हम जरसकील यूज करते हैं, वो एक हाथ से ऐसे चलाने वाला नलका सा होता है जो नीचे से प्रेशर के जरिए तेल को उसमें डाल रहा होता है बोतल में, वो इतने बड़े बाग के लिए बनाई गई थी, और नीचे से जो है दरिया का पानी ऊपर नहर की शक्ल में, ऊपर वाली जब पहुंच गया बाग पे, नीचे वाले बागों पे तो वो पहुंच ही सकता था, तो आबशारें बनाई गई थी और बहुत बड़े बड़े। तो कहते हैं कि वो शद्दाद वही था, बख्त नसर उसका जो मशहूर नाम है, वो बख्त नसर है जो बाइबल में है। बेलशज़ार बख्त नसर का बेटा था, पहले वाली की करेक्शन कर ले, जो मैंने बेलशज़ार बख्त नसर को कह दिया था। तो ये सूरत हाल थी बाबल की, तो यहाँ साइंस क्यों ना होगी। यहाँ पे निकली है इस इन खंडरात में से ये बैटरी, और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इतने कबल मसीह, गालिबन 500 और 350 कबल मसीह के दरमियान का ये इलाका है जब ये था, यहाँ पे 500 से भी ज्यादा है मेरे ख्याल में। अच्छा, तो ये निकली है वहां से, और अब इसकी बड़ी नकूल तैयार की है दुनिया ने, मतलब तमाम इसमें यूनिवर्सिटियों में चूंकि पढ़ाया जाता है इसके बारे में, इसलिए स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट्स किए हैं और इसकी बहुत सी नकलें तैयार हो गई हैं, तो ये हर जगह पे मौजूद है। अब ये इब्तदाई बैटरी, आखिर इतना पहले जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं दरियाफ्त हुआ था, करंट का कैसे कंसेप्ट आया बाबल वालों के पास, और ये बैटरी यूज होती थी इलाज के लिए, यानी एक ख्याल है कि इलाज के लिए, कोई सबूत तो नहीं है इन चीजों के, क्या पता कोई ऐसी और भी इसके इस्तेमाल हो जैसा बिजली से हम चीजें करते हैं, हो सकता है, लेकिन इलाज के लिए उस वक्त ये बैटरी यूज होती थी, जैसे आज भी इलाज के लिए हम बैटरियां यूज करके अपनी मशीनें चलाते हैं, तो उस वक्त ये बैटरी यूज होती थी दिमाग के मसाइल के लिए, जैसे जिसे हम करंट लगाना कहते हैं, यानी ये एक गैस है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये साइंसदानों का एक गैस है कि ये इतने छोटे करंट वाली बैटरी क्यों उस वक्त बनाई गई। बात बहुत हैरान कुन है, बीच में फिर सदियां बल्कि हजारों साल कोई बैटरी कोई करंट किसी का कुछ शायबा तक नहीं है। लेकिन एक बात जो जिस तरफ जहन जाता है कि इन्होंने ये क्यों उस वक्त इतनी एडवांस चीज बना ली होगी, उस क्यों का जवाब ये मिलता है कि एक मछली है, कैटफिश भी वही मछली है, मछलियों की किस्म है वो, असल में पूरी फैमिली है या पूरा एक पूरी एक क्लास है समंदर में, दरियाओं में भी है, जिसकी हजारों लाखों करोड़ों तादाद होगी, किस किस्में बहरहाल उसकी बहुत है खुद। अच्छा, उनमें करंट है, और उनका जो करंट है वो 600 वोल्ट तक है। हम घरों में जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो 220 वोल्ट है या 110 है, लेकिन उसमें कैटफिश में और उनमें 600 वोल्ट का एक शॉक, वो आपको अगर आप उसको पकड़ने लगे और हाथों से पकड़ रहे हैं और पानी में आप खड़े हों, तो वो अपने बचाव के लिए उस वक्त एक करंट छोड़ती है, तो आप बेहोश हो जाएंगे अगर उसके नजदीक हैं, 4-5-6 फुट के रेडियस में हैं, तो मछली जब करंट छोड़ेगी तो आप बेहोश हो जाएंगे, ये मछली अब भी है। तो शुरू शुरू में इन्होंने ये कहा कि जब करंट की बैटरी आई होगी तो ऐसा ही कोई मछली का इलाज, मछली से इलाज का तो है मिस्र में भी और वहां भी मौजूद है कि मछली के करंट से इलाज करते थे वो, इसका मालिखोलिया का और दिमाग के मरीजों का, तो अगर ऐसा था तो हो सकता है फिर किसी बड़े दिमाग ने उस मछली को सामने रखते हुए करंट का सोचा हो, वरना यहाँ बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसा या एडिसन जैसा काम नहीं हुआ, या नेस्ला टिकोला जैसा टेस्ला निकोला जैसा काम नहीं हुआ यहाँ पे, कि पहले से पीछे से माइकल फराडे से काम आ रहा हो और वो लिखा जा रहा हो, डॉक्यूमेंट हो रहा हो, और अगर हुआ भी है तो उसके कोई आसार नहीं है, क्या पता वो लोग कितने एडवांस थे। सारी चीजें सिर्फ खंडरात से मिलती हैं और फिर उसके बाद गैस किया जाता है।